न्यूज लाइव राजस्थान पर देखिए रेनवाल से बड़ी खबर। राजधानी जयपुर के जोबनेर थाना क्षेत्र से बोराज गांव से टैंकरों से डीजल चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने दो आरोपी सहित 1900 लीटर डीजल बरामद किया। पुलिस ने ट्रक व पिकअप भी जब्त किए। ग्रामीण जिले की क्राइम ब्रांच टीम ने सोमवार को सरकारी टैंकरों से डीजल ऑयल चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जोबनेर थाना क्षेत्र के बोराज गांव में क्राइम ब्रांच की टीम व जयपुर ग्रामीण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक ट्रक सहित दो आरोपियों को पकड़ा है। मौके पर डीजल से भरा हुआ सरकारी टैंकर जिसमें करीब 1900 लीटर डीजल व पिकअप जब्त किया है। फुलेरा पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दश शर्मा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत पेट्रोलियम कंपनी के टैंकरों से तेल चुराने वाली गैंग को पकड़ा है। ये गैंग विशेष चाबी से टैंकरों के लॉक खोलकर तेल चुराने का कार्य करते थे। कार्रवाई में पुलिस इंस्पेक्टर दीपक खंडेलवार, सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह, पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, साइबर सेल हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, जोबनेर थाना प्रभारी फूलचंद शर्मा टीम में मौजूद थे। एसपी शंकर दश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने राम निवास पुत्र मदन लाल बावरिया निवासी नहर की ढाणी बोराज थाना, जोबनेर आरोपी पूरणमल पुत्र कृष्णा राम जाट निवासी नायन थाना अमरसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस गैंग पर निगरानी बना सकी थी। सोमवार को पुलिस टीम ने जोबनेर थाना इलाके से बोराज गांव पहुंची। हाईवे पर 20 फीट ऊंची दीवार बनाकर टीन शेड लगा रखे थे। जगह जगह सरकारी टैंकरों से चोरी करने का कार्य चल रहा था। पुलिस ने छापामारी कर वहां पर मौजूद दो आरोपी को पकड़ लिया है।